नमस्कार दोस्तों एंड फ्रेंड्स, मैं राकेश आर डी वंसज आपको वैसे सभी जितने भी फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता हैं जो लगने वाले हैं, जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता का परीक्षा दिया है, उन सभी को तो मैं सबसे पहले तो अग्रिम बधाई प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सब लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएँ और दुआ करता हूँ सबके लिए कि भगवान सबका सिलेक्शन करवाए और जल्दी से जल्दी आप लोगों को नियुक्ति मिले। चलिए आज बात करते हैं, आज जो रिज़ल्ट आया था राजस्थानी विषय का, जो रिज़ल्ट था किसका था, राजस्थानी का जो रिज़ल्ट आया था, और राजस्थानी के अंदर जो फाइन कट ऑफ गई है प्रोविजनल की, जो प्रो रिज़ल्ट था, इस प्रो के अंदर राजस्थानी की 6 सीटें हैं। टोटल कितनी सीटें हैं, जिसके अंदर 4+1 यानी कि ये तो जनरल की सीट है, और एक सीट जो है वो किसकी है, ओबीसी की है। किसकी है, ओबीसी की सीट है। तो इस प्रकार टोटल जो लड़के सेलेक्ट किए हैं वो है 19। तो कहने का मतलब जो है वो 3 गुना लड़कों को शामिल किया है इस पेपर में, इस प्रोविजनल लिस्ट में 3 गुना लड़कों को शामिल करते हुए टोटल 19 लड़कों का मतलब अनुमोदन हुआ एक तरीके से। अब सोचने वाली बात यह है कि मतलब कि 3 गुने बुलाएं या 2 गुने बुलाएं। एक्चुअली में क्या होता है, आरपीएससी का जो रूल है वो 2 गुने का है, मतलब 2 गुने ही आरपीएससी बुलाती है, लेकिन जो लास्ट वाले नंबर होते हैं, मतलब जैसे कट ऑफ जो है प्रोविजनल की वो 269 समथिंग गई है जनरल की, है ना। तो ये जो लास्ट वाले जो 10 लड़के हैं या 8 से जो 10 लड़के हैं वो लास्ट वाले नंबरों पर ही मिल जाएंगे, यानी कि 12 के बाद के जो लड़के हैं वो लास्ट वाले नंबरों पर मिल जाएंगे। तो वहाँ जो डेंसिटी बढ़ने की वजह से ये 2 गुना से ज़्यादा हो गया, ये लड़के क्या हो गए, 2 गुना से ज़्यादा हो गए। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो 3 गुना होंगे, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू मार्क्स देखें या अकॉर्डिंग टू रिजल्ट देखें तो ये 2 गुना ही हैं। क्लियर। अब राजस्थानी की हम लोग फाइनल जो कट ऑफ है उस पर बात कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, पिछली जो कट ऑफ थी वो लगभग 330 के लगभग, ठीक है, और अभी जो कट ऑफ गई है प्रोविजन में वो 269 गई है। इस हिसाब से अगर इसकी जो फाइनल कट ऑफ है उस पर अगर आप चर्चा करोगे तो फाइनल कट ऑफ जो है वो 269 से उछल कर 290 से लेकर 295 तक जाएगी मैक्सिमम। इसके ऊपर कोई कट ऑफ नहीं जाएगी, इसके ऊपर कोई कट ऑफ नहीं जाएगी। तो ये थोड़ी सी आपको मतलब दिमाग में रख लेना कि 290 से 295 हर हालत में कट ऑफ जाएगी, इसके ऊपर कोई कट ऑफ नहीं जाएगी। अब मैं आता हूँ अपने सब्जेक्ट पर, मेन जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी। अब मैं बात करता हूँ बायोलॉजी सब्जेक्ट की, तो बायोलॉजी जो है बायो के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट 166 है, ठीक है। अब जब इसका प्रोविजनल आएगा वो कब आएगा हम चर्चा करते हैं थोड़ी देर बाद। तो प्रोविजनल जो आएगा वो प्रोविजनल रिजल्ट में कितने लड़के हो गए, तो मेरे जो बहुत सारे मित्रगण हैं उनके अनुसार या हम लोगों का जो एनालिसिस है उसके अनुसार, अगर 2 गुना बुलाती हैं आरपीएससी 166 का 2 गुना जो अगर आप बात करते हैं, तो 166 के अगर 2 गुना की बात करें तब तो ये लगभग 350 के आसपास पहुंचता है ये रेशो। टोटल अगर लास्ट वाले नंबर डिजिट पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर डेंसिटी बढ़ेगी, इस हिसाब से ये 450 से लेकर 470 लड़कों तक कॉल कर सकती है आरपीएससी, मतलब रैंक के अकॉर्डिंग 450 से 470 तक का के पास कॉल आ सकता है फॉर काउंसलिंग, ठीक है। और कट ऑफ जो है प्रोविजनल की अगर देखें तो एक्चुअली हुआ क्या है कि जो ग्रुप ए है राजस्थानी वाला, इस राजस्थानी के ग्रुप ए के अंदर जो जीके का जो पेपर था उसके अंदर जो करंट था, करंट के जो क्वेश्चन थे वो इनको पता नहीं थे, और इनका पेपर हुआ था 3 जनवरी को, ठीक है, 3 जनवरी को, तो इनको पता नहीं था, इस कारण इनकी मेरिट जो है वो नीचे गिरी है। बहुत बड़ा फैक्टर है इनकी मेरिट को नीचे गिराने में। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि बायोलॉजी की मेरिट नीचे नहीं आएगी, पिछले साल के बनस्पत आएगी, बट कम आएगी बनस्पत राजस्थानी के, राजस्थानी जो सब्जेक्ट है, क्योंकि 3 जनवरी से अगर आप बात करें तो अपना पेपर था 6 जनवरी को, ठीक है, 3 दिन का टाइम मिल गया था, लोगों ने करंट जी के कुछ पढ़ लिया था, इसलिए जो मेरिट है वो कम फ्लक्चुएट होगी।
लेकिन कितनी होगी ये देखने वाली बात है। मैं आपको बता रहा हूँ कन्फर्मली जो मेरिट रहेगी, मतलब कि राजस्थानी की पिछली मेरिट में इस फाइनल मेरिट में लगभग 40 नंबर का अंतर रहेगा राजस्थानी की में, बट बायो की जो मेरिट है उसमें 30 नंबर तक का गैप रहेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि बायो की जो पिछली मेरिट थी वो 317 थी, पिछली मेरिट जनरल की 317 थी, तो इस बार जो मेरिट रहेगी वो 285 से 287 तक लास्ट रहेगी। दिस इज फाइनल मेरिट, ठीक है, इट्स नॉट अ प्रोविजनल मेरिट। अब आप इसको प्रोविजनल लेके जा सकते हो, तो प्रोविजनल की जो मेरिट है वो लगभग कितनी रह सकती है, 270 तक, यानी कि कहने का मतलब लगभग वही रहेगी जनरल की बायोलॉजी की जो मेरिट है, बायो की प्रोविजनल जो मेरिट है जनरल की 270 तक रहेगी, ये वही मेरिट रह सकती है राजस्थानी की। अब एक बड़ा इश्यू है कि बायो के जो सेकंड पेपर था, सेकंड पेपर में कम से कम 10 से 11 जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चनों के आरपीएससी ने आंसर गलत दे रखे हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि अपना हमको और हम लोगों को वो हमारे नंबर आरपीएससी लौटा दे, बेटर रहेगा, बहुत अच्छी सी बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बड़ा विरोधाभासी हैं, एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड की बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन उनको भी गलत मान लिया है। मैं पिछली वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं एक बार और चर्चा कर लूँगा, ठीक है। अब उन वीडियोज़ के उनके अंदर क्या है, सॉरी जो क्वेश्चन वापस रिकॉल होंगे नए, जो तो नंबर कुछ लोगों के बढ़ेंगे और कुछ लोगों के नंबर जो है वो घटेंगे। अब घटने बढ़ने का इशू तो ऐसे हैं, अगर मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 100 क्वेश्चन अभी आपके राइट हैं और कट पिट के, मतलब कि अब स्थिति ऐसी आ जाती है कि मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन और मतलब जुड़ गए, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके और ऐड हो गए, 100+ तो 110 आपके राइट हो गए। अब 10 क्वेश्चन ऐड होने से क्या हुआ कि आपकी 3 नेगेटिव कम से कम वापस मिलेगी, तो टोटल राइट क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 113 के लगभग हो जाएंगे, है ना, तो 226 नंबर आपके सब्जेक्ट में आएंगे। ऐसे आप निकाल सकते हैं, और ऐसे अगर माइनस होते हैं तो आपको साथ में नेगेटिव भी माइनस करेंगी प्लस वेटेज को जोड़कर। तो मैंने आपको आज बताई कट ऑफ प्रोविजनल की, जो कट ऑफ मैं वापस आपको रिकॉल करा देता हूँ, बायोलॉजी की 270, ठीक है, और फाइनल मेरिट 285 से 287 रहेगी। सो इन एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा आप लोगों को, ठीक है, एंड थैंक यू, धन्यवाद।